ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको दे दें। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल किया जाएगा पेश, पिछड़ों को 10% आरक्षण को लेकर संशोधन बिल। इंडिया न्यूज के पास बिल की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद। थोड़ी देर में पेश किया जाएगा संविधान संशोधन बिल 2019 से पहले मोदी सरकार का ट्रंप कार्ड। इंडिया न्यूज के पास संशोधन बिल की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है और थोड़ी देर में ही ये संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, आपके पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं। ये एक्सक्लूसिव कॉपी जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक होगा, जिसके चलते अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, जहां पर शिक्षा और नौकरी से जुड़ा हुआ 10% आरक्षण की बात कही गई है, उसको देने की बात है आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए। और ये कॉपी इस वक्त इंडिया न्यूज के पास है। ये 12 बजे के करीब पेश किया जाएगा, 2 बजे चर्चा का वक्त रखा गया है और ये एक सरकार का एक गेम चेंजर प्लान कहा जा सकता है 2019 लोकसभा चुनाव के पहले। ये वो कॉपी है जो संसद में पेश की जानी है और इसके चलते 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर, यानी 2019 का ये पहला जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको लेकर सरकार आ रही है। एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें अनुच्छेद 15 और 16 से जुड़े हुए इन परिवर्तनों को इसमें रेखांकित किया गया है, जिनको लेकर यह संविधान संशोधन विधेयक 124वां सामने लाया गया। शोभना, ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने हमें एक्सक्लूसिव कॉपी दिखाई है। हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे हमसे जुड़ गए हैं। ब्रजेश, इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी है, अब से कुछ देर बाद लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा और बहस इस पर होगी। क्या बताना चाहते हैं आप हमें इस बिल को लेकर? देखिए शोभना, जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बिल को 12 बजे के आसपास लोकसभा में पेश किया जाएगा और 2 बजे के बाद इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि रिजर्वेशन बिल, 10% रिजर्वेशन बिल और सिटीजंस अमेंडमेंट बिल दोनों लोकसभा में आज पास हो जाए और यदि आज ऐसा हो जाता है तो इसी के मद्देनजर सरकार ने राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए आगे बढ़ाई है, जो कि कल तक चलेगी। सरकार की मंशा साफ है, सरकार जानती है कि 2019 के चुनाव का बच चुका है और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इस 10% रिजर्वेशन बिल के विरोध में नहीं खड़ा हो पाएगा। तो सरकार चाहती है कि जो पॉलिटिकल मैसेज वो देना चाहती है वो दोनों हाउसेस में पारित हो जाए और सरकार का ऐसा मानना है कि कल जब ये बिल राज्यसभा में भी जाएगा तो इसे कोई खासा विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, टेक्निकल चीज आपसे जानना चाहेंगे कि 50% से ज्यादा आरक्षण परमिसिबल ही नहीं है, नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये 10% जो एक्स्ट्रा आरक्षण है, अगर बिल पास भी हो जाता है तो इसका भविष्य क्या होगा? देखिए, ये साफ तौर पे जब भी के सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह के मैटर आए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कॉश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस बात को अपहोल्ड किया है कि 50% मैक्सिमम कैप है। और सर, लेकिन आप यदि भाजपा की तरफ से देखें तो यदि ये बिल सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर देता है तो भाजपा ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहेगी अपने इलेक्टोरेट को कि भाजपा ने अपनी तरफ से अपर कास्ट के लिए ये 10% रिजर्वेशन का बिल लाया, न केवल लाया बल्कि दोनों हाउसेज में पारित भी करवाई। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करता है तो इसमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में परसेप्शन और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो बीजेपी जिस तरह की पोजीशनिंग लेगी इस बिल को आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा के और कल राज्यसभा में, उससे बीजेपी का मानना है कि उसको इलेक्टोरल बेनिफिट बहुत मिलेगा इस बिल का अंजाम चाहे जो भी हो सुप्रीम कोर्ट के सामने। वीपी सिंह का भी हाल हमने देखा था, अब ये तो 2019 में ही पता चलेगा कि इसका इलेक्टोरल फायदा बीजेपी उठा पाती है या नहीं। फिलहाल ब्रजेश, आप नजर बना के रखिए, फिर